नवी मुंबई नेटवर्क। देश और मकसद साउथ एशिया आईटीएफ एशिया 12 एंड अंडर टीम कंपटीशन का गोल्ड। नवी मुंबई के नाम का शुमार करते हुए अपने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत और अपने लगन के दम पर कोपेखेड़ने में रहने वाले और सेंट मेरी आईसीएसई स्कूल के छात्र ऋषिकेश माने बांग्लादेश टेनिस फेडरेशन द्वारा 16 से 20 मई को आयोजित होने जा रहे साउथ एशिया आईटीएफ एशिया 12 एंड अंडर टीम कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, जहां उनका सीधा मुकाबला बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के दिग्गज टीमों के साथ होगा। बांग्लादेश के ढाका में शेख जमाल नेशनल टेनिस कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने जा रहे इस टेनिस मुकाबले को लेकर ऋषिकेश माने का मानना है कि अपनी कठिन प्रैक्टिस के दम पर न केवल वे जीत का परचम फहराएंगे बल्कि एशिया में भारत का नाम गौरवान्वित करेंगे। यही बात उन्होंने एक पत्रकार परिषद के दौरान कही। इस पत्रकार परिषद में ऋषिकेश माने के कोच गीतेश अवस्थी ने कहा कि ऋषिकेश माने की परफॉर्मेंस के दम पर उन्हें विश्वास है कि गोल्ड भारत के नाम होगा। ये टूर्नामेंट बांग्लादेश में होने वाली है, ढाका सिटी में, और टूर्नामेंट की डेट है 16 मई से लेकर 20 मई तक। और ये साउथ एशिया एक टूर्नामेंट रहता है जिसमें इंडिया के प्लेयर्स रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। सो जैसे 3 प्लेयर इंडिया से जाने वाले हैं, यहाँ से ऋषिकेश माने उसमें से वन ऑफ द टीम मेंबर है। और वो उस टूर्नामेंट में आप जो साउथ के जितने भी एशिया के कंट्रीज आते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेबरिंग कंट्रीज़ हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये सब कंट्रीज़ के, थाईलैंड हो, ये सब कंट्रीज़ के प्लेयर्स अपने अपने कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से जो भी दो टीम पहुंचती हैं सबसे आगे ऊपर तक, वो टीम पूरे एशिया का जो टूर्नामेंट होगा अंडर 12 का, उसके लिए रिप्रेजेंट करेंगी उसको। सो वो 8 से 9 टीम होती हैं, उसमें से जो दो टीम सेलेक्ट होंगी वो आगे जाके अपने टीम को रिप्रेजेंट करेंगी पूरे एशिया के जितने भी कंट्रीज़ होते हैं उसके लिए। प्रॉब्ली जिस हिसाब से हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं उस हिसाब से Definitely they are going to win gold medal in the tournament and we will be representing South Asia in the Asian continent ka jo bhi event hoga usme। उन्होंने आगे कहा कि टेनिस गेम है सर्विस और स्ट्रोक का, जिसके लिए पिछले 6 महीनों से ऋषिकेश माने ने कड़ी लगन और फोकस के साथ काम किया है। एट दिस एज मोस्टली सबसे ज़्यादा वर्क करना होता है, जैसे कि टेनिस गेम में सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी हो और आपके स्ट्रोक्स बहुत अच्छे हों। सो दोनों चीज़ों पे हमने बहुत वर्क किया है लास्ट 6 महीने में, इसकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूँ, आज से 6-8 महीने पहले की अगर बात करूँ, तो उस टाइम पर हम लोग इंडिया में करीब करीब 100-150 के आसपास हमारी रैंकिंग थी। लेकिन अभी अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो अभी हमारी इंडिया में 3rd नंबर पर रैंकिंग है, जो कि हमने पिछले 6 महीने में कवर अप किए। और लास्ट 3 महीने में हमने 6 टूर्नामेंट खेले हैं, जिसमें से 5 टूर्नामेंट हमने फाइनल्स किया है, उसमें से 2 डबल्स फाइनल्स जीते हैं। सो ओवरऑल मैं लास्ट 3 महीने में बोलने जाऊँ तो हमने बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिया है ऑल ओवर इंडिया टूर्नामेंट्स खेल के, जो कि चेन्नई में हुआ, दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ। सो हमने अलग अलग सिटीज़ में जाकर टूर्नामेंट किया, ऐसा नहीं कि हम एक जगह पर टूर्नामेंट खेल के परफॉर्म कर रहे हैं, हम ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करके परफॉर्म किया है हमने। सो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। सो इससे शो अप कर रहा है कि हाँ, हमारा गेम लास्ट 6-8 महीने में टेनिस टेक्निकली तो इम्प्रूव हुआ ही हुआ है, बाकी मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ है ये बच्चा। ताकि ठीक है, कॉम्पिटिशन में सबको खेलना तो आता ही है, लेकिन जो अच्छी टाइम पे, अच्छी सिचुएशन में सही तरीके से जो चीज़ सही कर लेता है वो टूर्नामेंट मैच जीत जाता है। मैच जीतना और खेलने में बहुत अलग अलग फ़र्क है। सो मैच जीतने की जो एक काबिलियत है इसमें अभी आज की डेट में, वो बहुत बेटर है बाकी प्लेयर्स से, इसीलिए हमारा परफॉर्मेंस इतना बेटर हुआ है और हम इतना अच्छा कर रहे हैं। इस दौरान ऋषिकेश माने ने आत्मविश्वास से लबरेज होते हुए कहा कि उनका एक ही मकसद है, कजाकिस्तान जाना और भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना। पहली तो बात यह है कि अभी जो मैं सिलेक्ट हुआ हूँ इंडिया के लिए, सो मेरे को वो जीतना है। और जितने भी हमारे लिए माइलस्टोन्स आएंगे, मतलब जितने भी कंट्रीज हैं, और उनको हराना है और ये इंडिया को साउथ एशिया की तरफ से रिप्रेजेंट करना है और कजाकिस्तान जाना ही है। प्रैक्टिस भी सही चल रही है,
बाकी सब कुछ भी सही है और जैसे जा रहे उस तरह तो हमें गोल्ड मेडल जीतना ही चाहिए। 5 साल की उम्र से टेनिस खेलने वाले ऋषिकेश माने ने कहा कि उनकी एक ही आइडियल है नोवाक जोकोविक। मैं छोटा था, 5 साल का था, तभी जब डाला था टेनिस में तब मेरे को ये जो स्पोर्ट्स था बहुत पसंद आया, तो फिर मम्मी और पापा ने मेरे को ऐसा प्रोफेशनल के लिए चुना। नोवाक जोकोविक मेरा आइडल है जो फिलहाल के लिए तो नंबर वन है वर्ल्ड में। ऋषिकेश माने ने आगे कहा कि मेरी सफलता का सपोर्टिंग सिस्टम मेरी माँ है। माझा मेन सपोर्ट तर माझी मम्मी आहे तिथं आणि तिने मला, मी म्हणजे जेव्हा छोटा होतो तेव्हा खूप माझ्यासाठी मेहनत केली, ती खूप सॅक्रिफाईस करते माझ्यासाठी। सो तिने तिची क्लिनिक पण 50% केली आहे आणि बाकी सगळं माझे कोच आणि माझी टीम पण मला सपोर्ट करते आणि माझे जे प्रिन्सिपल आहे स्कूलची ब्लेसी मॅम ती पण खूप मला कोऑपरेशन करते आणि सुट्टी पण देत होती फायनल एक्झाममध्ये मेन तर, ज्यामुळे मी आता सिलेक्ट झालोय। बता दे की नेरुल जिमखाना के बिलीव टेनिस अकेडमी के डायरेक्टर और कोच गीतेश अवस्थी की कुशल निगरानी में ट्रेंड ऋषिकेश माने को लेकर उनके पिता ने कहा कि टेनिस खेल के प्रति ऋषिकेश माने की डिवोशन, मेहनत और स्कूल के सहयोग के कारण आज वो इस मुकाम को छू पाया है, मगर ये तो एक शुरुआत है, आगे की मंजिल और कठिन है। सध्याच्या वातावरणामध्ये सगळेजण क्रिकेटच्या वेळा मागे आहेत, अशा वेळेला पश्चिम महाराष्ट्रातला एक मुलगा आपला, आम्ही असं ज्या वेळेला त्याला निवडलं की तो टेनिस खेळावा आणि त्यांनी आणि त्याच्या आईने जे परिश्रम घेतले, त्याच्या कोचेसचं त्यांना जे पाठबळ मिळालं, योग्य पद्धतीनं त्याचं ट्रेनिंग झालं, हेड कोच गीतेश अवस्थी, त्यांचा सपोर्टिंग सगळे कोचेस यांनी अविरत मेहनत घेतली त्याच्या खेळावरती, ऋषिकेशनं स्वतःच्या खेळासाठी जे मेहनत घेतली स्वतःची, जे डिव्होशन आहे त्याचं, सकाळी 5:30 वाजता उठणं, तिथपासून त्याचा दिवस चालू होतो, तो संध्याकाळी 9:30-10 वाजेपर्यंत कंटिन्युअस असतो, टेनिस, स्कूल, स्कूलचा अभ्यास, टेनिसचा फिटनेस, हे सर्व मॅनेज करत हा मुलगा आज इथंपर्यंत पोचला आहे। माझा मुलगा म्हणून नव्हे पण आजच्या घडीला खेळांमध्ये जे कौशल्य लागतं, आपण क्रिकेट सोडले तर बाकी कुठल्याही खेळाकडे त्या दृष्टीनं जास्त पाहत नाही, आणि याच्यामध्ये खूप कौशल्याचा खेळ आहे हा, त्याच्यामध्ये मेहनत आहे, तुम्हाला योग्य पद्धतीचं मार्गदर्शन आहे, तुमचं डाएट आहे, तुमचा फिटनेस आहे, हे सर्व मॅनेज करणं, अशा वेळेला तुम्ही एका लहान मुलावर कधीकधी आम्हाला असं वाटतं एक पेरेंट म्हणून मी प्रेशर देतो आहे का, पण ऋषिकेशनं समहाऊ ते मॅनेज केलं, त्याच्या कष्टाचं हे फळ मिळालं। आज मला पेरेंट म्हणून खूप समाधान आहे, त्याच्या येणाऱ्या खडतर आयुष्यामधला सगळ्यात सोपा टप्पा त्यांनी पार केला, म्हणजे इथून पुढची जे त्याचे आव्हान असतील ते खूप अवघड असतील, खूप मोठे असतील, त्याच्यामधला हा सगळ्यात सोपा टप्पा आज त्यांनी कव्हरअप केला आहे। पण बाळ जसं पाळण्यातून उठून रांगतं आणि चालतं, चालल्यानंतर ते पळायला चालू करतं, तर चालणं हा पण एक टप्पा आहे। ऋषिकेश आज रांगून जस्ट चालायला सुरुवात केली, पळणं त्याच्या मागे खूप पुढं आहे अजून, त्या दृष्टीनं त्यांनी असंच कष्ट घ्यावेत, कोचेसनी त्या पद्धतीनं त्याला सांगेल त्या पद्धतीने त्यांनी ते आत्मसात करावी ती कला, माझी पेरेंट म्हणून एवढी अपेक्षा आहे, पण आजच्या घडीला आय एम प्राऊड ऑफ हिम। बता दे की सेंट मेरी ICSE स्कूल की प्राचार्य ब्लेसी मैडम भी ऋषिकेश माने की एक सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बनकर साबित हुई हैं। ऋषिकेश के पिता ने कहा कि ऋषिकेश माने का बैकिंग फोर्स माँ और उनकी कोच के साथ कड़ी लगन है। ऋषिकेश ला मेन त्याचा जो बैकिंग फोर्स आहे ते त्याची आई आहे, त्याची आई नसते त्यांचं दोघांचं डिव्होशन नसतं तर हे स्टेज मिळाली नसती त्याला, या अभिमानानं सांगायला मला काही वाईट नाही वाटत, मी अभिमानानं सांगू शकतो की त्याच्या मागचा जो फोर्स आहे ती त्याची आई आहे। त्याच्यानंतर योग्य वेळेस त्याला जो मिळालेले कोच आहेत गीतेश अवस्थी, जे की प्रामाणिकपणे एखादा प्लेअर घडवण्यासाठी कोचेसची जी वृत्ती लागते आणि त्याच्यामागं कष्ट घेण्याची तयारी लागते, ती तयारी त्यांच्यामध्ये दिसून आली। त्यांचा सपोर्टिंग स्टाफ आहे ज्याच्यामध्ये फिजिओ आहेत, फिटनेस कोच आहेत, परफॉर्मन्स कोच आहेत, ते कोचेस आहेत। त्यानंतर ह्याच्या व्यतिरिक्त ऋषीला प्रॅक्टिससाठी जो जास्त वेळ मिळेल अशा पद्धतीनं स्कूलनं त्याला जे परमिशन दिल्या, लवकर जाणे आहे,
अगदी शेवटच्या क्षणी मुख्य परीक्षेसाठी सुद्धा त्याला कन्सेशन देण्यात आलं. ह्यामागे त्याचे प्रिन्सिपल आहेत ब्लेसी मॅम, त्यांचा खूप मोठा सहकार्य आहे. त्याच्याशिवाय जे अदृश्य हात असतात मत्तीचे, जे वेल विशर्स आहेत, त्यांचं खूप मोठं योगदान आहे. त्याच्या आजीचे आशीर्वाद त्याच्याबरोबर आहेत काय. बता दें कि ITF एशिया 12 एंड अंडर टीम कॉम्पिटिशन साउथ एशिया के इस मुकाबले में दो टीमों का फाइनल के लिए चयन होगा, जो कजाकिस्तान में फाइनल खेलकर तय करेंगी किसे मिलेगा गोल्ड. ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मी नेटवर्क.